Good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today I am going to explain class 12 chemistry chapter number 1 is a third part of this chapter. Today I am going to explain structure of important ionic compounds. इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ में कुछ आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो शेयर करूँगी. द फर्स्ट is AB type. In a AB type, I have three example here in this slide. The first is NaCl, जिसे कि हम लोग rock salt के नाम से भी जानते हैं. Then CaCl and the third is ZnS, यानी कि zinc blend. The second is AB2 type. In a AB2 type, CaF2, the fluoride and the TiO2 and SiO2. तो इनके जो स्ट्रक्चर की स्टडी है वो अब हम आगे करेंगे. नाउ द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. इट्स अ FCC टाइप. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NaCl सेल. द क्लोरीन एट कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स के ऊपर जो आप देख रहे हैं, इट्स अ क्लोरीन एंड द 8 × 1/8 = 1. The Cl at face centered 6 × 1/2 = 3. Sodium at edge center, जो sodium है वो edge center पर मिलेगा आपको, is a 12 × 1/4 = 3. And the sodium at body center = 1. और अगर body center sodium की हम लोग बात करें तो ये हमें 1 show होगा. Unit cell, यूनिट सेल कंटेन्स आर 4 पर ईच नंबर. ईच यूनिट सेल 4 NaCl यूनिट्स विल बी प्रेजेंट. नाउ रॉक सॉल्ट की जो स्ट्रक्चर है वो हमने आपको यहाँ पे शो कराए. इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 है और इसमें जो क्लोरीन है और जो सोडियम है, जो क्लोरीन है उसको कॉर्नर्स के ऊपर शो किया गया है. क्लोरीन जो फेस सेंटर्ड है वो 3 यहाँ पे शो किया है. नंबर ऑफ ए सेंटर जो है वो आपको सोडियम का 3 है एंड द सोडियम एट बॉडी सेंटर जो है वो 1 है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ CaCl. स्ट्रक्चर ऑफ CaCl की हम बात करें देन इट इज़ अ BCC टाइप एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:8. नंबर ऑफ एटम्स अपॉन यूनिट सेल = 1. स्ट्रक्चर ऑफ ZnS FCC टाइप. कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर जो FCC टाइप स्ट्रक्चर जिंक सल्फेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4. द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अपॉन यूनिट सेल, द टोटल S = 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4. टोटल जिंक जो है इट्स अ 4 एंड द टोटल जिंक सल्फेट की जब हम लोग बात करते हैं इट इज ऑल्सो 4. डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम के अंदर यहाँ पर शो किया गया है. नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ CaF2. यहाँ पर जो डायग्राम आपको बताया गया है इसके अंदर जो ग्रीन कलर से आपको जो बबल शो कर रहे हैं इट्स अ F, इट्स अ फ्लोरीन एंड द जो लाइट ब्लू कलर के अंदर स्काई ब्लू कलर में आपको जो शो किया है इट्स अ CA, यानी कि कैल्शियम. जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी बबल के अलावा जो हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर डायग्राम जो शो किया है उसमें किस तरीके से बॉक्स के अंदर, बॉक्स फ्रेम के अंदर हम लोग इसको यहाँ पर शो करेंगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:4. 8 फॉर कैटायंस एंड द 4 इज फॉर एनायंस. नाउ यहाँ पर यह हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ AB2 टाइप फॉलो द सेम पैटर्न. जितने भी AB2 टाइप कंपाउंड्स होंगे वो सभी सेम पैटर्न को ही फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ K2O FCC टाइप. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:8. 4 फॉर कैटायंस एंड 8 फॉर एनायंस. तो यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट हमेशा हम लोगों ने कैटायन को ही शो किया है. ठीक है, तो जब हम रेशो फॉर्म के अंदर शो करते हैं तो पहले हम कैटायन को शो करेंगे देन सेकेंड नंबर पर हम इसे एनायन को शो करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड. स्ट्रक्चर जो कोवेलेंट कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर हैं उससे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे. द फर्स्ट इज डायमंड एंड द सेकेंड इज ग्रेफाइट डायमंड.
स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज अ एफसीसी टाइप इज अ टेट्राहेड्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है इज अ 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.4 हाई डिस्प्रेसिव पावर ऑफ लाइट इसके अंदर जो लाइट होती है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकीर्णित करने की कैपेसिटी होती है. नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी नो वेरी वेल कि डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज अ 3D नेटवर्क एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नो इस वी नो वेरी वेल कि जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. यूज एज एब्रेसिव इसका जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है इधर देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको यहाँ पर शो कराया और 3D स्ट्रक्चर में ही आप इसे बनाएं. यहाँ पर जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.4 है. ओके एंड द नेक्स्ट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का जो डायग्राम है वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर किया गया है. ये आपको 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसके अंदर भी ये टॉपिक आपको मिलेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस एवर नो. अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं उनमें जो डायमंड है इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और जो ग्रेफाइट है इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस. तो इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या है बेटा? बॉन्ड्स का डिफ्रेंसिएशन है. जो बॉन्ड्स जिस तरीके से ये आपस के अंदर ज्वाइन हो रही हैं उन्हीं की वजह से ये डिफ्रेंसिएशन आता है. 2D हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर यहाँ पर जो मैं आपको ये शो कर रही हूँ इस 2D स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट. या देन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.45 आर्मस्ट्रॉन्ग. यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच के अंदर जो लेंथ होती है इसे 1.45 है. इंटर लेयर डिस्टेंस इज 3.54. स्लाइडिंग नेचर होता है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मिलती है इसमें उसका जो रेंज है 2.2 है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. मेटेलिक लस्टर है एंड यूज एज अ गुड लुब्रिकेंट. देन हमने अभी देखा कि डायमंड जो है वो प्रेशियस होता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है बट वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है. और जो ग्रेफाइट है ये भी कार्बन से ही बना हुआ है बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यहाँ पे देखिए आपको 2D स्ट्रक्चर जो है वो आपको शो किया गया है और इन अ PDF फॉर्म मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी तभी इसे आप बहुत नीट एंड क्लीन और बॉन्ड को ध्यान रखते हुए आप इसको ड्रॉ करेंगे. फुलरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फुलरीन इज इट डिस्कवर्ड इन 1985 एस C60. फुलरीन के अंदर कार्बन की जो संख्या है वो 60 तक होती है. कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल एलिप्सॉइड और अ क्रिस्ट और सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डजन्स ऑफ कार्बन एटम्स. इसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो स्फेरिकल एलिप्सॉइड और द सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट के रूप में आपस में बंधे हुए रहते हैं. 3 टाइप्स स्फेरिकल इज ऑल्सो कॉल्ड द बक्की बॉल्स. द मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर इज 1991 बाय साइंस मैगजीन. द सिलेंड्रिकल इज अ सी नैनो ट्यूब्स और बक्की ट्यूब्स एंड द थर्ड इज प्लानर. स्ट्रक्चर ऑफ द फुलरीन 60C एटम्स अरेंज इन अ पेंटागोनस एंड द हेक्सागोनस 7 आर्मस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर है वो 7 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है. सुकर बॉल शेप टू मॉलिक्यूल विद 26 मेंबर्स एंड द 12 5 मेंबर्ड रिंग्स. इसके अंदर जो सुकर बॉल जो होती है उसकी जैसा हमें जो सॉकर बॉल जो होती है उसकी जैसा हमें अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है. और इसके अंदर जो 26 मेंबर्स जो होते हैं वो 20 पार्ट में और जो 5 मेंबर जो होते हैं वो 12 रिंग्स के अंदर अरेंजमेंट होते हैं. ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय अ 5 हेक्सागन्स. नो 2 पेंटागन्स आर द एजेस. ईच कार्बन इज अ sp2 हाइब्रिडाइज यूज एज अ फोटोरिएजेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द सुपर कंडक्टर को बनाने के अंदर भी इसकी हेल्प ली जाती है, इसको काम में लिया जाता है. इन ऑप्टिकल डिवाइस इन बैटराइज एज चार्ज क्राइसिस कैरिस. लास्ट है हमारे पास में ब्रैक्स इक्वेशन. सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक इन दिस पार्ट। ब्रैग इक्वेशन में आप देखिए जो डायग्राम आपके साथ में शो किया गया है, इसमें आप यहाँ पर एक्सिट ट्यूब यहाँ पे शो किए और यहाँ पर डिटेक्टर शो किया गया है। इसमें हम इंसिडेंट रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है उसको यहाँ पर शो करेंगे। जो नीचे की तरफ फॉर्मूला आपको दिया गया है वो देखिए, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ये क्या है, द एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम्स इन अ क्रिस्टल प्लेन्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या डिफ्रेंसिएशन है, ये हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करा है कि रिफ्लेक्शन के अंदर तो एक ही मीडियम, जो हमारे पास जो मीडियम है वो एक ही होता है, और जो रिफ्रैक्शन है उसके अंदर मीडियम जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यदि लाइट की जो रेज है वो एयर में से आकर जो परिवर्तित हो रही है यानी रिफ्लेक्टेड हो रही है वो एयर में ही होती है, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यदि जो लाइट रेज है वो एयर से वाटर के अंदर आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर जो फिनोमेना होगा वो रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ब्रैग इक्वेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि ये रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज अ टेक्निक यूज फॉर अ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्रिस्टलाइन। किसी भी क्रिस्टलाइन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रैग्स लॉ। तो ये ब्रैग्स लॉ को शो करता है। अब ब्रैग्स लॉ क्या है हमारे पास में, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म के अंदर बताया है, बीम टू लेग्स बीम वन बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। और जो डॉट्स के रूप में आपको शो किया है, इसे ट्रांसमिटेड रेडिएशन। डब्ल्यू एल ब्रैग इन 1913 शो दैट द स्कैटर्ड रेडिएशन फ्रॉम अ क्रिस्टल बिहेव एज इफ द डिफ्रैक्टेड बीम वर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इन अ मैनर दैट मेक्स दीज क्रिस्टल लैटिस प्लेन्स एनालॉगस टू मिरर। सो जो डब्ल्यू एल ब्रैग्स जो थे उन्होंने तकरीबन 1913 के अंदर ये जो इक्वेशन है, ये जो प्रोसेस है उसको उन्होंने शो करा, इस लॉ को उन्होंने दिया, और उन्हीं के नेम के ऊपर इस इक्वेशन का नाम ब्रैग इक्वेशन रखा गया है। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो आप अच्छे तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ करें, और जितना भी मैंने आपको स्लाइड्स यहाँ पर शो की है दे ऑल आर अवेलेबल इन द PDF फॉर्म इन योर WhatsApp ग्रुप। डू योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच।